हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर 2007 की वीडियो सीरीज के अंदर आज हम इंसर्ट हेडर एंड फुटर के बारे में सीखेंगे। हेडर और फुटर, इसके नाम से आप जानते हो दोस्तों कि हेडर का मीनिंग किसी डॉक्यूमेंट का हेडिंग, हेडिंग के ऊपर की साइड में जो भी हम लिखते हैं उसको हेडर बोलते हैं, और किसी डॉक्यूमेंट के एंड पे नीचे या पेज के लास्ट में नीचे की साइड में जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसे फुटर बोला जाता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम इसको कैसे यूज करते हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। इसके अंदर इंसर्ट के अंदर हेडर एंड फुटर, सबसे पहले आता है हेडर। हेडर के देखो दोस्तों, इसके अंदर फॉर्मेट दिए हुए हैं कि आपको हेडर ब्लैक चाहिए या 3 कॉलम वाला चाहिए, या किस टाइप का चाहिए आपको हेडर। आप अपनी सुविधा अनुसार अपने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कलर में चाहिए। हेडर की जरूरत एक्चुअली दोस्तों इसलिए पड़ती है कि ऊपर हमने पेज नंबरिंग देना होता है। जो डॉक्यूमेंट का हेड है वो तो हमने चेंज करते रहना, लेकिन इसके ऊपर आप जैसे डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल क्लिक करते हो, ये देखो हेडर करके एक्टिवेट हो जाता है। तो आप इसको किस टाइप का हेडर देना चाहते हो, हेडर की एडजस्टिंग ये डिजाइन के साथ पूरी होती है। आप हेडर में नंबरिंग देना चाहते हो या कुछ और देना चाहते हो। कई बार आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी पब्लिशर का नाम लिखा रहता है, जैसे आपने देखा होगा MBD गाइड या किसी पब्लिशर का जो भी बुक बनती है उसका ऊपर नाम लेफ्ट या राइट साइड में प्रिंटिंग रहता है, तो वो दोस्तों हेडर दिया रहता है। अगर किसी का नीचे की साइड में दिया हुआ तो वो उसका फुटर रहता है। तो हम हेडर की बात कर रहे थे, हेडर आपने क्या देना है और कैसे देना है आप इसमें लिख सकते हो। जैसे मैं इसको पेज नंबरिंग देना चाहता हूँ, तो मैंने 1 टाइप किया और इसको मैं सेंटर में देना चाहता हूँ या राइट में देना चाहता हूँ। तो सेम जैसे टेक्स्ट की डॉक्यूमेंट के करते हैं, कंट्रोल R से राइट, कंट्रोल E से सेंटर और कंट्रोल L से लेफ्ट में आप इसको नंबरिंग दे सकते हो, या और कुछ भी आप इसके ऊपर टाइप करना चाहते हो तो वो टाइप आप कर सकते हो। जैसे मैंने टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल है हेयर, मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट का टाइटल हर पेज के ऊपर हेडर में रहना चाहिए, और किस ईयर में वो प्रिंट हुआ या एडिशन हुआ तो वो ये रहना चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बिना और भी बहुत फॉर्मेट हैं इसके अंदर जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया तो पिक द डेट, यहाँ पे कोई डेट सिलेक्ट कर लेनी है आपने, किस डेट का आप चाहते हो। जैसे मैं आज का चाहता हूँ तो ये आज की डेट हो गया, और इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल दे सकता हूँ। जो मैंने पिक्चर ली है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, एडिटिंग कर सकता हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा काम आप इसके अंदर कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट को एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो। नेक्स्ट आता है फुटर। जैसे दोस्तों जो इंसर्ट के अंदर हैं हेडर और फुटर, जैसे आप दूसरे को एक्टिवेट करते हो फुटर को, एडिट मैंने फुटर अगर पहले आपने कर रखा तो एडिट कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके आप इसके फुटर को सिलेक्ट कर सकते हो, और जैसे आप फुटर को सिलेक्ट करते हो तो ये डिजाइन का मेनू एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद आप इसमें डेट डालना चाहते हो या कुछ और पिक्चर देना चाहते हो, जो भी आप में से बहुत ऑप्शन है, आप कितना उसको साइज देना चाहते हो, कितने इंच ऊपर से छोड़ना है या नीचे से छोड़ना है, आपने उसका अलाइनमेंट डिफरेंट फर्स्ट पेज को अलग करना चाहते हो, जैसे फर्स्ट पेज के ऊपर पेज नंबरिंग नहीं दिया रहता बाकी सब के ऊपर पेज नंबरिंग दिया रहता है, या डिफरेंट ऑड नंबर और इवन पेज। आपने देखा कई बार बुक के ओनली ऑड नंबर पे पेज लिखा रहता है, यानी कि 1, 3 और पीछे साइड में 2 और 4 लिखने की जरूरत नहीं होती, या लेफ्ट साइड में जो आता नंबर उस पर लिखने की जरूरत नहीं होती, तब इसको यूज किया जाता है। शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, आप इसको भी यूज कर सकते हो, जैसे आप टेक्स्ट देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस टाइप का चाहिए। इस प्रकार आप इसकी डिजाइनिंग कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पेज नंबर। आप पेज नंबर कैसा चाहते हो, टॉप ऑफ द बॉटम, बॉटम के टॉप में आपको कैसे कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, पेज नंबर इनके साथ में चाहिए, पेज 1 और 1 चाहिए, ये फॉर्मेट उसके दिए हुए हैं। आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो और ये आपको पेज नंबर उसके ऊपर इंसर्ट होता जाएगा, और ये कंटिन्यू जितने आगे पेज आपके चलेंगे, जो भी पेज है बाकी जितने आपके आगे चलते जाएंगे सब पेजों के अंदर आपको, जैसे 2 हो गया 3 हो गया, जितने भी पेज आपके बनेंगे सब पेज के अंदर ये नंबर कंटिन्यू उसमें आता रहेगा। इसी प्रकार के इसके अंदर नेक्स्ट है बॉटम ऑफ द पेज, कि
करके आपको जो पेज नंबरिंग चाहिए वो पेज के बॉटम में चाहिए तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। पेज मार्जिन आपको क्या चाहिए और ये किस साइड में चाहिए, आपको लेफ्ट में कॉलम में या राइट में, जहाँ भी आपको पेज नंबर चाहिए वहाँ पर आप इसको पेज नंबर दे सकते हो। करंट पोजीशन, जहाँ पे जो आपकी करंट अभी कर्सर है उस पोजीशन से आपको नंबरिंग चाहिए तो ये उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर्मेट पेज नंबर, पेज नंबर को आप फॉर्मेट भी कर सकते हो कि आपको किस टाइप का चाहिए पेज नंबर, ABC में चाहिए, 1-2-3 में चाहिए, रोमन में चाहिए, जैसा आपको नंबर चाहिए हिंदी में तो आप वैसा सिलेक्ट कर सकते हो। और जहाँ से कंटिन्यू करना है आपने, मान लो फर्स्ट पेज हमने छोड़ना था 2 से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 2 करके 2 से कंटिन्यू आप कर सकते हो। इस प्रकार आप अपने डॉक्यूमेंट को एक अलग से लुक दे सकते हो और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना सकते हो। थैंक यू।